हेलो स्टूडेंट, मैथ फिजिक्स गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग किसी भी टेबल का सम करना कुछ सेकंड में ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं, जो भी बहुत आसान होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लेते हो, किसी भी टेबल का सम करना हो, किसी भी टेबल का सम करना हो तो उसे बस मल्टीप्लाई 55 से करना था। किससे? मल्टीप्लाई एनी टेबल। बस इतना सा काम आपने करना है। जैसे आपने थ्री के टेबल को सम करना है तो आप देख सकते हो 55 मल्टीप्लाई 3 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 165। एग्जाम्पल के तौर 3 का टेबल लिख के देख सकते हो आप, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 ऐड करते हैं। यहाँ पे आपने देखा 9 plus 12, 13, 18, 13, 35, 45, 18, 63, 63 and 21, 63 plus 20, 1, 4, 84, 84 यहां तक कंप्लीट हो गया आपका। एंड 84 plus 24, 8, 108 and 27, 5, 1, 3 and 135 एंड 135 प्लस 30 आपको कितना है 165। ये देखो, ये आंसर मैच कर रहा है। यहाँ पर आपने देख लिया किसी भी टेबल का सम 55 मल्टीप्लाई एनी टेबल होता है। एक और एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हो, 55 मल्टीप्लाई, जैसे 10 के टेबल को ऐड करो 550 होता है। ओके, एंड ये आप ये सोचोगे ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये अब आपने सोचना है। ये फर्क किसी भी टेबल का सम करते हो, मान लेते हो 2 का टेबल का सम 2, 4, 6, 8 या पर के तौर पर 10, 12, 14, 16, 18 और प्लस 20। इसमें से आप क्या कर लो, 2 कॉमन ले लो, क्या बचा आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस और ये 10 हो गया। तो आपने देखा होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जो होता है नेचुरल नंबर का, n इंटू n प्लस वन बाई टू होता है। n की जगह आपने कितने ऐड करने हैं, 10 ऐड करना है। n की जगह आपने यहाँ पे 10 पुट करना है, तो आपके पास क्या हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 2, 2 से कटेगी 5 आ गया, तो 55। ये देखो अपने आप 55 आ गया। इनका सम कितना आ गया, तो आपके पास 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 2, 2 से 5, 2 मल्टीप्लाई 55 इज इक्वल टू 110। तो ये आपका नेचुरल फार्मूला रहा है जिससे हम लोग कोई फार्मूला कोई भी टेबल को ऐड कर रहे थे। ओके, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे से। तो इसे जितना हो सकता है लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जिससे हम मोटिवेट होकर और ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड कर सके। थैंक यू। ओके।